गन्स, बो एंड एरो और साथ साथ मेन्यू। तो फ्रेंड्स मेन्यू भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पबजी गेम के ऊपर बेस्ड है। ये देखिए खाने में आपको मिलेगा। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम आ गए हैं द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से जस्ट 100 मीटर की दूरी पे पबजी रेस्टोरेंट में, और ये पिलर नंबर 771 के सामने पड़ता है। पबजी फूड सिटी दिल्ली का ओनली रेस्टोरेंट जहाँ पे जो है पूरा का पूरा पबजी गेम के ऊपर बेस्ड है पूरा मेन्यू, और सारे के सारे ये देखिए बैरल सीटिंग है यहाँ पे, और साथ साथ जो है सीटिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, और यहाँ की सारी जो है पबजी बेस्ड मॉडर्न थीम है। ये देखिए यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स हैं, गन्स, बो एंड एरो और साथ साथ मेन्यू। तो फ्रेंड्स मेन्यू भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पबजी गेम के ऊपर बेस्ड है। ये देखिए खाने में आपको मिलेगा सोल्जर एपेटाइज़र, जो कि पूरा पूरा पबजी गेम के ऊपर जो है बेस्ड है, और काफ़ी यहाँ पे जो है फूड के साथ इनोवेशंस की गई हैं, कुछ अच्छा जो है इन्वेंट किया गया है। तो आइए चलते हैं देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स रैंगल मैप, आपने अगर आप पबजी खेलते हैं तो आपने ये गेम जो है काफ़ी अच्छे से जानते होंगे और इस मैप को भी अच्छे से पहचानते होंगे। और इसी के राइट साइड में यहाँ पे है एयर ड्रॉप, और ये है पबजी, जो भी है पबजी फूड सिटी, और ये है यहाँ के ऑनर हेमंत जी। तो हेमंत जी, मैंने देखा कि जो है ना आपके मेन्यू भी जो है पबजी गन्स और जो है मैप के ऊपर ओरिएंटेड है, तो आप प्लीज़ बताएंगे ये कैसे शुरुआत हुई? बिल्कुल, हमने थोड़ा सिर्फ इंटीरियर नहीं दिया है थीम बेस पबजी के ऊपर, हमने पूरा मेन्यू जो है, मेन्यू में भी अगर आप हमारा मेन्यू देखेंगे तो हमारा जो मेन्यू है, मेन्यू में भी हमने गन्स के नाम यूज़ किए हैं जो जो पबजी में यूज़ हो सकते हैं। मैप हो गया, गन्स हो गया, आपकी क्रॉसबो हो गया, स्कोप हो गया, सबके नाम जो है हमने अपने मेन्यू के आगे यूज़ किया थोड़ा अट्रैक्टिव। तो आज आप हमें क्या ट्राई कराने वाले हैं? आज हम आपको ट्राई करने वाले हैं हमारी स्पेशलिटी चाप के अंदर AWM तंदूरी मसाला चाप, एंड एक हमारा पास्ता बहुत स्पेशल है तंदूरी पास्ता, एंड एक हमारे क्रीमी स्प्रिंकल बहुत स्पेशल है, उसका नाम है MK14 क्रीमी स्प्रिंकल। तो हेमंत जी, ये जो पबजी फूड सिटी है इसको कितना समय हो गया है यहाँ पे? इसको खोले हुए ऑलमोस्ट 2 ईयर्स कम्प्लीट होने वाले हैं, मई में 2 ईयर्स कम्प्लीट हो जाएंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो आज ये देखिए ये AWM तंदूरी चाप है, और इसको टेस्ट करने वाला है हमारे साथ हेमंत, पबजी फूड सिटी के ऑनर, और चलिए ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स ये बेसिकली जो है तंदूरी चाप है, और इसको स्पेशल स्पाइसेस में जो है बनाया गया है, जो इसका नाम AWM ग्रीन बीन सॉस है, इसको यूज़ टेस्ट कीजिएगा। हाँ सर, फ्रेंड्स इसको टेस्ट करने के बाद ऐसा लगता है जैसे आप तंदूरी चिकन जो होता है वो टेस्ट कर रहे हो, काफ़ी क्रीमी स्पाइसी और बहुत बहुत बढ़िया वाकई। और वो पहली बाइट देने के बाद मेरे को इसमें सबसे अच्छा जो फ्लेवर लगा, उसकी फ्रेगनेंस और जो स्पाइसेस है वो, ये आप कोई स्पेशल मसाला यूज़ करते हैं इसमें या वी मेक आवर ओन? तो फ्रेंड्स यही सीक्रेट है, इसलिए आज जो है इन्होंने किचन में मेरे को दूर नहीं करने दिया। नेक्स्ट आइटम है यहाँ पे ये तंदूरी पास्ता, और ये जैसे विनर विनर बटर चिकन वाले जो पैन होता है पबजी पैन, उसमें सर्व किया जाता है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे जो है ना फूड सिटी पबजी फूड सिटी में ना काफ़ी अच्छा जो है, मतलब फूड के साथ साथ जो है ना उसको सर्विंग जो मैथड है काफ़ी यूनिक है। जैसे आप देख लीजिए ये जो पबजी का जो है बटर चिकन पैन है उसी में जो है उसी में सर्व किया हुआ है। काफ़ी क्रीमी, एक अचारी फ्लेवर इसमें आया, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और लहसुन का टेस्ट आ रहा है पहली बाइट में, और थोड़ा अचारी फ्लेवर है, काफ़ी अच्छा है। ये पबजी फूड सिटी जो है यहाँ पे है, हेमन जी ने मेरे को किचन में शूट नहीं करने दिया, इसी वजह से कि ये इनका सीक्रेट जो है रेसिपी का ही हम वीडियो शूट ना करें, बट आई मस्ट से बहुत 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 बढ़िया है, और आपको आने चाहिए और आके टेस्ट करना चाहिए, आपको वाकई लगेगा कि आप कुछ थक के खा रहे हैं। और ये दिल्ली का जो है ना ओनली रेस्टोरेंट है जो
पबजी थीम के ऊपर बेस्ड है, प्रॉपर जो है थीम बेस्ड है। साथ साथ जो है यहाँ पे जो है हर एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। और ये है एम के पॉडी क्रीमी स्प्रिंग, क्रीमी स्प्रिंग और काफ़ी जो है सटल फ्लेवर है, ना बहुत स्पाइसी ना ही बहुत एकदम डल, काफ़ी सटल फ्लेवर है। और इसके साथ ना ये म्यूनिक और मोमोज जो है रेड चिली सॉस मिली है इसको फ्लेवर एनहांस करने के लिए, थोड़ा सा सॉल्टी है, हल्का सा स्पाइसी है और ऑल इन ऑल बहुत बढ़िया। इसकी जो ग्रेवी है ये क्रीमी ग्रेवी है काफ़ी, और काफ़ी थिक है। ये है एम के 14 क्रीमी स्प्रिंग रोल, इतना क्रीमी है कि मतलब ये हाथ फॉक से पिछले जा रहा है और हाथ से ही खाना पड़ रहा है। और इसकी जो ग्रेवी है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी क्रीमी है, काफ़ी क्रीमी है ग्रेवी, और ना बहुत ज़्यादा हॉट ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी एकदम। ये है शाही केसर, और ये जो है एक मिल्क शेक है जो यहाँ पे जो है इन्वेंट किया गया है सैफ्रॉन के साथ, केसर के साथ। और मैं सिप ले लेता हूँ, बहुत बढ़िया। जो मेरे को इसमें फर्स्ट फ्लेवर आया वो गुलाब का था, और साथ में मेरे को कुछ एक आइसक्रीम फ्लेवर भी आया है। और हेमंत जी कौन सी आइसक्रीम से? आइसक्रीम बेसिकली वनीला ही होती है। अच्छा वनीला ही है, ओके। तो बहुत ही बढ़िया है, एकदम ठंडक पहुँचा दी अंदर तक। और लास्ट में आपसे एक बात जानना चाहूँगा, ये फुल प्लेटर कितने का है आपका? फुल प्लेटर है 160 का, 160 का मसाला चाप का। और आपका क्रीमी स्प्रिंग रोल इज ऑफ 140 रुपीज़, 140 रुपीज़ का है। और आपका ये तंदूरी पास्ता, 180 रुपीज़ का फुल। और शाही केसर शेक है 150 रुपीज़ का। तो फ्रेंड्स ऑल इन ऑल बहुत बढ़िया है, और वैल्यू फॉर मनी भी है, और साथ में टेस्ट तो 5 out of 5 है, बहुत बढ़िया है। तो फ्रेंड्स गाइस, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इनके चैनल को। इनके चैनल का नाम है पबजी फूड सिटी, में आके एक बार फूड ज़रूर ट्राई करें। और मेरे चैनल का नाम है फूड लवर राहुल, इनको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।